देख कुत्ते, हम तो पढ़ने में कमजोर थे लेकिन आज भी तेरे मालिक हैं। चल काम कर सही से और ढंग से होना चाहिए, ये तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा मार मार के। अबे ओए कुत्ते, चाय खा, इधर आ जल्दी। साले ने कैसी चाय बनाई है? अबे सर फोड़ दूंगा, जल्दी आ जा नहीं तो उधर ही आके मारूंगा पूरी तरह। आ इधर। अरे बिने देखो फिर पड़ रहे हरामी। इस साले ने दुखी कर दिया है, इसकी आईएएस की पढ़ाई तो मैं अभी निकाल के आता हूँ। अबे हरामी, साले तुझे पढ़ने के पैसे देता हूँ या काम करने के? एक काम तुझसे ठीक से नहीं होता, आज के बाद अगर मैंने तेरे हाथ में एक किताब देख ली तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। चल चुपचाप काम कर। विनय यार, मैं तो सिर्फ पढ़ाई कर रहा था क्योंकि मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं। देखा विनय, ये कुत्ता तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुला रहा है। साले मेरा नाम लेता है? अबे ओ शेखर, अब हम दोनों स्कूल में नहीं पढ़ते, अब मैं तेरा मालिक हूं और तू मेरा नौकर, समझा? चाह जाके काम कर तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। अबे ओए कुत्ते, चाय खा, इधर आ जल्दी। साले ने कैसी चाय बनाई है? अबे सर फोड़ दूंगा, जल्दी आ जा नहीं तो उधर ही आके मारूंगा पूरी तरह। आ इधर। कहां मर गया शेखर, जल्दी आ इधर। अबे मैं वहीं आके मारूंगा कुत्ते की तरह, जल्दी आ जा, दिमाग मत खराब कर। मैं दिमाग खराब, जल्दी आ। अबे कुत्ते, तेरे से सही से चाय नहीं बनती, ये कैसी चाय बनाई तूने? हैं? मेरे को समझ नहीं आता तेरे को किस चीज के पैसे दे रहा हूं मैं। अच्छा तो सारे फसाद की जड़ ये किताब है, जब तक ये किताब रहेगी ना तू ढंग से काम नहीं करेगा, छोड़ इसे। प्लीज ऐसा मत करो, नहीं तो मेरा सपना पूरा नहीं हो पाएगा। प्लीज मैंने, प्लीज नहीं तो मेरा सपना पूरा नहीं हो पाएगा मैंने। अरे क्या करेगा तू आईएएस बनके, कोई जरूरत नहीं, छोड़ इसे, चल निकल यहां से। तेरे को तो मैं इस घर पे ही नहीं रखने दूंगा, चल निकल यहां से, अब तू यहां नहीं रहेगा। चल देखा भी नहीं, ये कुत्ता तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुला रहा है। साले मेरा नाम लेता है? अबे ओ शेखर, अब हम दोनों स्कूल में नहीं पढ़ते, अब मैं तेरा मालिक हूँ और तू मेरा नौकर, समझा? विनय प्लीज, नहीं तो मेरा सपना पूरा नहीं हो पाएगा विनय। अरे क्या करेगा तू आईएएस बनके, कोई जरूरत नहीं, छोड़ इसे, चल निकल यहाँ से। रुको तो मैं इस घर पे ही नहीं रखूंगा, चल निकल यहाँ से। आज बहुत रोने का मन कर रहा है, मन कर रहा है कि बस रोता ही जाऊं, रोता ही जाऊं, क्योंकि ये दर्द दिल में ही रहा तो बंदा बिखर जाएगा, ये दर्द दिल में ही रहा तो बंदा बिखर जाएगा। रोना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि छलकती आंखों के साथ कुछ गम भी निकल जाएगा, कुछ गम भी निकल जाएगा। सर आप यहाँ के मालिक हैं? हाँ हूँ, बोल। सर वो मुझे ना जॉब चाहिए थी, दरअसल सर सैलरी कम भी होगी चलेगा, पर थोड़ा काम करने का टाइम कम हो क्योंकि मुझे ना पढ़ाई भी करनी होती है आईएएस की। चल ठीक है, नौकरी तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन छुट्टी वुट्टी नहीं चलेगी मेरे पास। अगर छुट्टी करेगा ना, एक छुट्टी को 1000 रुपए काटूंगा और 7000 तेरी महीने की सैलरी है। ठीक है? ठीक है सर, मैं कल से आता हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली मेरी जॉब ऐसी जगह लग गई जहाँ से मैं कुछ पैसे भी कमा सकता हूँ और अपनी आईएएस की पढ़ाई भी जारी रख सकता हूँ। आप ऑर्डर ले गया, कस्टमर आए हैं। जी सर। सर आपका ऑर्डर।
देख रहे हो विनय, हमने घर से क्या निकाले कि मैं यहाँ पर आ गया। हाँ, यहाँ पर भी आ गया मेरा खून चूसने के लिए। साला मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, दिमाग खराब करके रखा हुआ है। सोचा था शांति से यहाँ खाना खाऊंगा, लेकिन नहीं, मेरे जीवन के अंदर शांति है ही नहीं जब तक ये कमीना यहाँ रहेगा। तो आईएएस बनेगा साला, मैंने डिसाइड कर लिया। अगर ये कमीना यहाँ पर काम करेगा तो फिर यहाँ पर मैं खाना खाने नहीं आऊंगा आज के बाद। कहाँ यहाँ का ऑनर? ऑनर, ऑनर, इधर आओ। जी सर, क्या हुआ? तुम्हें पता ऑनर कौन है ये जो तुमने काम पे रख लिए थे? मेरे घर पर नौकर था, साले ने मेरे घर पे चोरी की थी, तभी लात मार के निकाला था इसको वहां से। मैंने डिसाइड कर लिया, अगर तुम चाहते हो कि मैं रेगुलर तुम्हारे यहाँ पर आके खाना खाऊं, तो उसे लात मार के निकालो इसे अभी के अभी। सर टेंशन मत लो, इसे अभी भगाता हूं यहां से। चल मैं भाग गया। बड़ा है तो आईएएस बनने वाला, बहुत चर्बी चढ़ी थी ना इसे, देखता हूँ कैसे बनेगा आईएएस। क्या हुआ, रो क्यों रहा है? तो चोरी नहीं करनी चाहिए थी ना वहाँ पर? मैंने चोरी नहीं की थी, उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ और वो चाहता है कि मैं कभी आईएएस ऑफिसर ना बनूं। यार शेखर, मैं चाह के भी तेरी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि जो मेरी दुकान है ना उसी के किसी रिश्तेदार की है यार। मैं तुझे अब नौकरी पर नहीं रख सकता यार। कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं मुझे कौन से गुनाहों की सजा मिल रही है। अब आईएएस का सपना छोड़ के गाँव में कहीं छोटा मोटा काम करूंगा। दुख तो बहुत हो रहा है, पर क्या करूं, मजबूर हूं। प्रणाम। अरे छोटे, जीते रहे बेटा, शहर से इतनी जल्दी कैसे आ गया? अभी तो तू गया था, पेपर खत्म हो गए क्या? भैया वो थोड़ा तबीयत खराब हो रही थी शहर में और मन भी नहीं लग रहा था, तो सोचा गांव आके ही तैयारी कर लूं, इसलिए आ गया मैं। अच्छा, क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं, वो थोड़ा सर में दर्द रहने लगा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ टाइम बाद शहर चला जाऊंगा, फिर आईएएस बनकर जरूर आऊंगा। चल कोई नहीं, भूख भूख लग रही होगी, खाना खा ले चल। अरे यार विनय, मैंने सुना पापा ने वो जो गांव वाली जमीन है ना उसके अंदर वो आईएएस के बाप को रखा है, और आजकल वो आईएएस भी वहीं पर ही गया है गांव के अंदर। तो जाओ उसको निकाल कर आओ, दोनों को। कल सुबह ही जाऊंगा और इन दोनों को वहां से निकाल के आऊंगा। सही है, तुमने मुझे याद दिला दिया। कल चले जाना कहीं से। हाँ। इसलिए बताया। शेखर, अबे हरामी कुत्ते शेखर, कहाँ है हरामी शेखर? ओ हरामी कुत्ते शेखर, अभी तेरे को आईएएस बनाऊंगा कमीने, कहाँ है बाहर निकल शेखर। शेखर अरे कहाँ मर गए तुम सबके सब? अरे बाबूजी क्या हो गया बाबूजी? मुझे अभी के अभी ये जगह खाली चाहिए। कुत्तो इस जगह को खाली करो जल्दी जल्दी। सब हमारी गलती क्या है? तुम्हारी गलती ये है कि तुमने एक गरीब होकर से आईएएस बनने का सपना दिखा दिया, हमारे बराबर पहुंचाने का सपना दिखा दिया, और ये चीज मैं बिल्कुल बर्दाश्त तो नहीं कर सकता। भैया हमें रहने दीजिए, मेरे बूढ़े पापा हैं, मेरे भैया है, हम कहाँ जाएंगे? जमरा में जाके कूद के मर जाओ, लेकिन ये जगह खाली चाहिए। हमें सामान निकालने की इजाजत तो दे दीजिए। अबे इजाजत लेगा सामान लेने की, मुंह फोड़ दूंगा तेरा, समझ रहे है ना? जो आज तक यूज किया है ना उसका हर जाना है वो। चल निकल अभी यहाँ की भाई, निकल।
मिस्टर अंकित आप चिंता मत कीजिए, ये सारी प्रॉपर्टी आपकी कंपनी का नाम हो जाएगी। चेक कर लीजिए पेपर। लेकिन मिस्टर विनय, इसमें तो ये लिखा है कि ये प्रॉपर्टी गरीबों के नाम होने वाली है। समझाओ इसे। आपको पता नहीं है विनय की जान पहचान बहुत आगे तक है, मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर हर भी विनय को जानते हैं। वही तो, अभी थोड़े दिनों के अंदर जो खाली जमीन पड़ी है ना, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करके सारी प्रॉपर्टी बेच दूंगा मैं। चलिए मैं आपको किससे मिलवाता हूँ। किससे? वो आ रहा तेरा काल, इसे पकड़, मैं चला। अरे शेखर, तू आईएएस कैसे बन गया? हमने तो पूरी पूरी कोशिश की थी तू आईएएस ना बन पाए, ये कैसे हो सकता है? बेशक अमीरी की धुंध में कभी कभी नहीं दिखती है, ये काबिलियत है जनाब, मेहनत करने के बाद भला कहाँ छिपती है। आईएएस कैसे बना? चला तुझे कहानी सुनाता हूँ। जब तूने मुझे और मेरे पूरे परिवार को घर से बेघर कर दिया, तब मैंने अपने पापा और भैया को अपने चाचा के घर भेज दिया और मैं एक खेत में उदास होकर बैठ गया। तभी मेरे पास अभिषेक भैया आए। अरे शेखर, उदास क्यों बैठा है? भैया क्या बताऊं, बस ऐसे ही। तेरा तो आईएएस का एग्जाम था। भैया मुझे अब लगता है कि मैं कभी आईएएस बन ही नहीं पाऊंगा, ये मेरा सपना अधूरे का अधूरा ही रह जाएगा। क्यों, क्या हो गया? भैया दरअसल बात ये है कि मैंने अभिषेक भैया को पूरी बात बताई कि कैसे तूने और हिमांशी ने मुझे स्कूल टाइम से सताया है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था और तुम लोगों का मानना था कि एक गरीब लड़का आईएएस ऑफिसर कभी भी नहीं बन सकता। मैंने उन्हें ये भी बताया कि किस तरह तुमने मुझे मारा पीटा और वेटर की नौकरी से निकलवाया। साथ ही साथ मैंने उन्हें ये भी बताया कि किस तरह तुम लोगों ने मुझे और मेरे पूरे परिवार को घर से बेघर कर दिया। मेरी ये सारी बातें सुनने के बाद अभिषेक भैया का दिल भर आया और उन्होंने मुझसे ये बोला, कोई बात नहीं, मैं तुझे एक आदमी का नंबर देता हूँ, वो तेरी मदद कर देगा, तुझे खाना पीना भी दे देगा और तुझे रहने के लिए घर भी दे देगा। धन्यवाद भैया, कल मैं आपसे उनका नंबर और पता लेने आऊंगा। चल आज रात तू मेरे घर रह। वो रात मैंने अभिषेक भैया के घर गुजारी और सुबह ही मैं चला गया अपने नए मालिक के घर। दरवाजा खुला, अंदर आ जाओ। साहब, वो अभिषेक भैया ने बताया था कि आपको काम वाले की जरूरत है। हाँ बताया था अभिषेक ने, तेरा रहना खाना सब यहीं हो जाएगा और कोई सामान टूटना नहीं चाहिए और चोरी तो बिल्कुल भी नहीं। मैं 6,000 रुपए तुझे दे दूंगा कल से आ जाइए। वो साहब मेरे पास घर तो है नहीं, मैं काम करता हूँ ना, आज से काम शुरू कर देता हूँ। चल ठीक है, लग जा काम पे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, मैं काम शुरू करता हूँ। अबे ओ, थोड़ा ढंग से सफाई कर ले, मैं 2 दिन से देख रहा हूँ बहुत जगह कचरा है, अगर मेरी जगह और कोई मालिक होता ना तेरा सर फोड़ देता। काम कर।
चश्मा कहाँ है? साहब वो आपका चश्मा ना मुझसे गलती से टूट गया था। अबे मैंने तेरे को बोला था ना कि कोई सामान टूटना नहीं चाहिए, मेरा चश्मा तोड़ दिया तूने, और मेरी ये डील कैंसिल हो जाएगी तो? साहब अगर आपको एतराज ना हो तो मैं पढ़ दूं। तू पढ़ेगा? जी साहब। Your tender is going to be announced on March 15th. You have to come on that date. अरे वाह, तू पढ़ लेता है? जी साहब, मेरा सपना था ना कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं, पर गरीबी और हालात और कुछ मेरे पुराने दोस्त कहो या दुश्मन, उनकी वजह से ऐसा है। कोई बात नहीं बेटा, आज से तेरा ये सपना मैं पूरा करूंगा और मैं तुझे पढ़ाऊंगा, चाहे कितना भी पैसा खर्च हो जाए। शेखर का रिजल्ट आ गया, वो IAS बन गया। शेखर! जी साहब। तू पास हो गया? पास? मैं IAS बन गया। मैं IAS बन गया। ये सब आपकी वजह से हो पाए। बहुत अच्छे साहब। मैं अच्छा नहीं हूँ, तेरी मेहनत का फल है ये। और इस तरह मैं बन गया एक IAS ऑफिसर। या शेखर, जो हो गया उसे भूल जाते हैं ना, एक नई शुरुआत करते हैं। अब तो तू हमारे लेवल का हो गया है। देख, मेरे को ये मुकाम हासिल करने में बहुत मेहनत लगी थी यार, तेरा एक गलत डिसीजन मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। तुझे जो चाहिए वो दे दूंगा यार, प्लीज यार, मिल बैठ के बातें कर लेते हैं यार। विनय, हिमांशी, तुम दोनों को मैंने स्कूल टाइम से सच्चे दिल से दोस्त माना था, पर तुम दोनों ने क्या किया, हमेशा मेरा मजाक उड़ाया। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि तुमने मेरा मजाक उड़ाया, बल्कि मुझे दुख इस बात का है कि तुमने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। खैर विनय और हिमांशी, मैं तुम दोनों को अभी भी अपना दोस्त मानता हूँ, लेकिन यार तुम दोनों को गिरफ्तार करवाना ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आज तुम्हें गिरफ्तार नहीं करवाया तो गरीबों का हक उनसे छिन जाएगा, और वो IAS ही क्या जो गरीबों को उनका हक ना दिलवा सके। और हाँ एक बात और, आज के बाद किसी गरीब को टॉर्चर मत करना, क्योंकि जब एक गरीब टॉर्चर होता है ना, सिर्फ वही टॉर्चर नहीं होता बल्कि उसका पूरा परिवार भी टॉर्चर होता है, वो टूट जाता है। मेरी बात सुनो, सिर्फ अमीरों को ही पढ़ने का हक नहीं, पढ़ने का हक गरीबों को भी है, अमीरों को भी है, इसलिए अपनी मानसिकता बदलिए प्लीज। और एक बात और, सुनसानी माहौल की हटेगी, सुनसानी माहौल की हटेगी, खुशियों का बाजा बजेगा, और अब काबिलियत होगी तो गरीब का बच्चा भी राजा बनेगा, समझा तू? इंतजार करियो, तुम दोनों का अरेस्ट वारंट तुम्हारे घर जल्दी पहुंच जाएगा, चलता हूँ।